हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवा बाय रेड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक विंटर एक्टिविटी मेकअप लुक फॉर ऑयली स्किन। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा, ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। तो आइए देखते हैं। अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो अब हमारे स्किन को हमें मॉइस्चराइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है लोटस हर्बल वाइटनिंग ग्लो क्रीम। ये एक जेल बेस क्रीम है और इसमें SPF 25 PA++++ है और ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम है फॉर विंटर्स एंड ऑयली स्किन वालों के लिए। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल और ये काफ़ी अच्छा सीरम है। बहुत ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, हमारी स्किन को एकदम मॉइस्चराइजिंग, बहुत ही स्मूथली हमें बेस देता है ये। ये एक एवरीडे मेकअप लुक है तो यहाँ पे मैंने कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे मैंने पोन्स की बीबी क्रीम यूज़ की है और इसमें मेरा शेड नेचुरल है और ये विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूज़फुल है और इससे हमारा जो कवरेज है काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें। और ऑयली स्किन वालों के लिए हमारी स्किन को बिल्कुल पैची नहीं बनाता, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देता और ये काफ़ी अच्छा कवरेज दे देता है। मैंने अपने बेस को एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट किया है और मैंने लिया है एनवाय बे का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें मेरा शेड नंबर 01 लिली वॉर्म रिच लुक 1 है। मैं आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर हैं। ये हमारे स्किल्प में जो भी ऑयल होता है उससे अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद मैंने यूज़ किया है इन द बाम ऑफ योर हैंड का आई शेडो पैलेट। और इसमें हमें ब्लश मिल जाते हैं, कॉन्टोर, आई शेडोज और लिपस्टिक मिल जाती है इस किट में हमें, जिससे मैंने एक पिंक कलर अप्लाई किया है उसमें से। और अब उसी पिंक कलर से मैं अपने आईलेट को अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल एवरीडे मेकअप लुक तो सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक देना है मुझे अपने आप को। और ये काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है। उसके बाद मैं इसी में से एक ब्राउन कलर पिक करके अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह फिल करूँगी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है और इसमें हमें सब अपना पूरा मेकअप किट मिल जाता है। आईब्रोज फिल करने से हमारा जो मेकअप लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और बिल्कुल नेचुरल लगता है। और आईब्रोज फिल करने के लिए हमें बस दो ही शेड यूज़ करने ज़रूरी होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा ब्राउन, जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करने होते हैं। और ये इससे बिल्कुल हमारा फेस एकदम नेचुरल दिखता है और आईब्रोज फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अब बात आती है हमारे लिपस्टिक की, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है द ADS प्रो मैट एडिक्शन लिपस्टिक और ये बिल्कुल मैट कलर है और बिल्कुल एक न्यूड पिंकिश कलर है। और इसमें जो मेरा शेड नंबर है वो है 409 रोज़ ब्लॉसम और ये काफ़ी अच्छा न्यूड कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है और हर स्किन टोन पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आप सभी को इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद लास्ट हमारा रहता है मस्कारा हमारी आईज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे द ADS का मस्कारा यूज़ किया है और ये हमारे लैशेस को बहुत ही अच्छा कर्ल देता है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है एक नेचुरल लुक के लिए। तो इसको मैंने अपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे अप्लाई किया है। अब बारी आती है हमारे फेस ग्लो की, उसके लिए मैंने यूज़ किया है द ADS की पैलेट में इन द बाम ऑफ योर हैंड की पैलेट में से एक हाइलाइटिंग शेड और इससे मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह हाइलाइट कर रही हूँ, अपने क्यूपिड्स को, चिन, अपने फॉरहेड पे अच्छी तरह मैंने अप्लाई कर लिया है। देन अब हमारा मेकअप होता है कम्प्लीट।
सो आई होप आप सभी को ये मेकअप लुक पसंद आए। अगर आप सभी को मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरा ये मेकअप लुक कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।